चलिए आपको सीधे लिए चलते गुजरात के मांडवी जिले में, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। सभी का धन्यवाद। कच्छ जिला सरपंच संगठन के अध्यक्ष और मांडवी तालुका सरपंच संगठन के अध्यक्ष, आपको मैं विनती करता हूं कि आप आइए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान कीजिए। शक्ति सिंह भाई जाडेजा और कनुभा जाडेजा दोनों साहब का सम्मान कर रहे हैं। सभी का धन्यवाद। कल से जैसे हमें सूचना मिली कि आदरणीय साहब का यहाँ भोजपुर में कार्यक्रम हो रहा है, सर हमको कल ही मैसेज मिला और इतनी जनसंख्या में 24 घंटे में पार्टी के संगठन छुट्टी हुई सब पाक और भोजपुर ग्राम पंचायत का इसमें महत्व का योगदान रहा। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ भोजपुर ग्राम पंचायत का कि बड़ी तागत से उन्होंने काम किया। तो ऐसे हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में सब कुछ ने उछावर कर दिया। और वो श्याम कृष्ण वर्मा जी जो इसी धरती के लाल थे, देश को स्वतंत्र करने के लिए सब कुछ ने उछावर कर गए। और मुझे गर्व है कहते हुए कि नरेंद्र भाई आपका अभिनंदन करता हूं, उनके अस्थि कलश को आप लेके गुजरात की इस पवित्र धरती पर आए। कांग्रेस शहीदों का अपमान करती है। कांग्रेस की सरकार रही तो हमें यही पढ़ाया गया, देश को आजादी इंदिरा जी ने दिलाई, नेहरू जी ने दिलाई, और कोई को याद ही नहीं करते थे। कल अपमान किया है राहुल गांधी ने, स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। दो दो जन्म की सजा जिन्हें मिली थी, काला पानी, काला पानी की सजा जिनने काटी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी, कांग्रेसियों, ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। और अपमान करना तो इनके स्वभाव में, इनके नेता रोज नरेंद्र भाई का अपमान करते हैं, और नरेंद्र भाई तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी मां जब हम देखते हैं तो हृदय श्रद्धा से भर जाता है, देवी है वो। तुम मां का भी अपमान करते हो, नरेंद्र भाई का अपमान नहीं, गुजरात का अपमान है, और गुजरात की जनता राहुल गांधी इसे कभी सहन नहीं करेगी, कभी स्वीकार नहीं करेगी। आज मुझे आपने गीता की प्रति भेंट की है, धन्यवाद देता हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सदाम्यम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाभि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अधर्मी बढ़ेंगे, तब तब धर्म की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। ये कन्हैया ने कहा था, और सचमुच में जब गुजरात की इस धरा को देखता हूं तो तीन महापुरुष मुझे याद आते, महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया को दिखा दिया और आजादी ले ली अंग्रेजों से। एक अद्भुत रत्न गुजरात ने केवल देश को नहीं पूरी दुनिया को दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया, एक 550 से ज्यादा देशी रियासतें अगर इकट्ठी करने का चमत्कार किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, उनके कारण भारत का आज ये स्वरूप है। कांग्रेसी उन्हें याद नहीं करते, करती
सरदार वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष, और तीसरे नरेंद्र भाई। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान शान, मैं पहले भी मुख्यमंत्री था जब कांग्रेस की सरकार थी, दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और इज्जत नहीं बची थी हमारे देश की। इंडिया से आए हैं मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार, गड़बड़ी गड़बड़। प्रधानमंत्री उस समय मोनी बाबा थे, वो बोलते ही नहीं थे, जो कुछ करते थे मां और बेटे ही करते थे। प्रधानमंत्री के सामने कागज फाड़ के राहुल बाबा फेंक देते थे, देश की इज्जत नहीं थी कहीं। 2014 के पहले का भारत था, और आज जब दुनिया में जाते तो सचमुच में कहते हुए गर्व होता है, नरेंद्र भाई ने एक शक्तिशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण किया है। आज दुनिया भारत के बिना चल नहीं सकती, और उसका उदाहरण जब यूक्रेन का और रूस का जब युद्ध हो रहा था, हमारे बच्चे फंस गए हजारों, जो पढ़ाई करने गए थे सब चिंतित थे बच्चे निकलेंगे कैसे, तो बच्चों ने भी तिरंगा हाथ में ले लिया, और तिरंगा लेके आगे बढ़े तो रूस ने भी कहा रोक दो, हथियार मत चलाओ। यूक्रेन ने भी कहा युद्ध विराम रुक जाओ, ये तिरंगा लेके इंडिया के बच्चे जा रहे हैं, इनको जाने दो। और हमारे पीछे बांग्लादेश वाले भी निकल गए। गर्व होता है हमें, यही आज हमारे देश की स्थिति है। पुतिन भी कहते हैं मोदी मोदी, और बाइडेन भी कहते हैं मोदी मोदी। ये चमत्कार नहीं तो क्या, आप गहराई में सोच के देखिए जरा। आज दुनिया भारत को नकार नहीं सकती। नरेंद्र भाई आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, और लोगों को उम्मीद है कि यूक्रेन रूस में अगर शांति होगी तो वो एक ही नेता कर सकता है, और वो है नरेंद्र भाई। गीता में जो बात कही थी, यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, सचमुच में भारत को भगवान का वरदान है नरेंद्र भाई मोदी, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। गुजरात खुश है, गुजरात खुश इसलिए है कि नर्मदा मैया का पानी आखिरी कोने तक पहुंच रहा है नरेंद्र भाई के नेतृत्व में। गुजरात खुश है 181 अभियम हेल्पलाइन के कारण यहां के भाई बहन सुरक्षित है। गुजरात खुश है क्योंकि गुजरात पावर जनरेशन और स्वच्छता सर्वे में देश में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। गुजरात खुश है, देश में सोलर पावर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य गुजरात, और सूरज से कच्छ भी बिजली बना बना के सारे देश में भेज रहा है।